मतलब थानल के आगे सब बेकार है, थानल के आगे सब चीजें बेकार। ये अभी भी तैयार हुआ थानल? हाँ हाँ ओके, वो चलिए अभी भी तैयार हुआ है, बाकी का सब चीज़ें जो है। हाँ भाई ट्राई करके बताएं कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा है, मुझे तो लग रहा है तुम पीते रहते हो यहाँ पर। हाँ दोस्त है मेरा भाई। दोस्त है ये? आपने अपने ये स्टार्ट का नाम दारुल शिफा थादल क्यों रखा है भाई? दारुल शिफा मौला रजा के हरम का नाम है। अच्छा 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 अच्छा, इसी उसी उसी के नाम से नाम रखा गया है। जरूर प्योर बादाम है, उसके बाद क्या चार मगर बताशा है, बताशे अच्छी वाली सौंफ है, अच्छी वाली सौंफ है। क्या था बेटा ये? जीरा और काली मिर्च। जीरा और काली मिर्च, ये मुझे क्या दिखा रहे हैं? ये गुड़ है। गुड़ है जी, गुड़ काला गुड़ है। काला गुड़ सर, ये आपके हाथ में जब आपने लिया है थादल, अगर आपको कोई जूस दिया जाए, कोल्ड ड्रिंक दी जाए, तो आप वो कोल्ड ड्रिंक या जूस पियेंगे या थादल पियेंगे? थादल एक इसमें जो अज्जा मिले हुए हैं वो कुदरत की अज्जा है। बिल्कुल, हमने दिखाया अपने व्यूअर्स को, एक चीज दिखाई हमने, इसमें फायदेमंद चीजें हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये आर्टिफिशियल चीज़ें पीने से बेहतर है कि अल्लाह की जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ें उससे पियो, ताकि अपने जिस्म को वो फायदा हासिल हो। जबरदस्त जबरदस्त, मना किसी को नहीं है? नहीं, जैसा दिल बोलेगा वैसा पिएगा। भाई जान कैसा लगा आपको? बेहतरीन लग रहा है। जब भी आते पीते हैं गर्मियों में, कोई ठंड का एहसास होता है? भाई जान कशकच है। कशकच? हाँ। जीरा, छोटी इलायची, काली मिर्ची, ये तीनों चीजें मिक्स है। सही है। ये क्या चीज है भाई? ये पुदीने की टिक्की है, ठंडी है। ओके। अब ये क्या आइटम है भाई? ये सौंफ है। सौंफ? सौंफ। ये चार मगज है। चार मगज? हाँ, उसको उर्दू में पांच मगज भी कहते हैं, सात मगज भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम जो जितने भी मटेरियल डाल रहे हैं, ये अंदाजन कितने उसके लिए वो ग्लास के लिए होगा? ये अभी जो हम डाल रहे हैं तो ये तकरीबन 10-15 गिलासों के लिए ही है। क्या आइटम डालने लगे भाई? ये बादाम है। बादाम? देखिए जी, अगर बादाम की मैं आपको क्वालिटी दिखा दूँ, बादाम भी जो है जबरदस्त यूज किया हुआ है इसमें। अस्सलाम वालेकुम हैदराबाद, कैसे हो आप लोग? मेरी तरफ से खैरियत से होंगे। फिवर आज हम लोग मौजूद हैं हैदराबाद में। हैदराबाद जो है हमारा बहुत पूरा शहर है। अभी मैं वीडियो बनाने शुरू हुआ हूँ, तो मेरा भाई जो है ये गिलास सामने लेकर आ गया, और ये थादल का गिलास। भाई जान अभी हम उसका पूरा व्यूअर वीडियो हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके खुद बताएं कि आप हमारे चैनल पे किस वीडियो देखना चाहते हैं। मैं चिल्ली हैदराबाद में आया हूँ और इस थादल पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप बहुत मशहूर है। मशहूर इसलिए कि जैसे कि लोग पहले तो ठंडक महसूस होती है, फिर ठंडक महसूस होती है, ऐसा ही ना भाई? आपका नाम क्या भाई? नाम है मोहम्मद खान। खान भाई हमारे साथ हैं, आप भी मेरे भाई का टीम। अच्छा भाई का टीम है, तो आप उसमें यही होते हैं। अच्छा खान भाई, अब आ ही गए तो मुझे बताइए ये थादल जो है ये आप तो खुद बनाते हैं या सारा सारा मेरे लिए इनका अपना है? सारा मटेरियल अपना है? बाजार से कुछ भी नहीं? बाजार से कुछ भी लेते, बाजार से ये रॉ मटेरियल होता है, बाकी जो ओरिजिनल तो ही जो होता है ये बाहर से आता है, और बाकी उसकी बाकी जो मटेरियल है वो सारा इनका अपना बनाया है, सब खुद बनाया हुआ था। बेटी जी में बस इसलिए मशहूर है क्योंकि ये जो है बिल्कुल और अच्छी चीज़ लोग खिला रहे हैं। हम ये ट्राई करेंगे और आपको ट्राई करके जरूर बताएंगे हमें ये थादल कैसा है। अच्छा चले वीडियो तो बाकायदा आगाज कर रहे हैं। अच्छा अभी मुलाकात हम जरूर आपकी कराते हैं यहाँ के ऑनर से, और ये इसमें अभी काफ़ी मशहूर है, कस्टमर यहाँ पर काफ़ी लगे हैं, तो इसका भी एक गाल बने। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, खैरियत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आपके काम के टाइम पर जो है हम आपको तंग कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। हम जो है आपके थादल की मशहूरी सुन के यहाँ पर, क्या नाम है भाई जान आपका? मसरूर अहमद। मसरूर अहमद जी, आप यहाँ हैदराबाद के ही है भाई जान? जी नहीं, मैं लड़काना का हूँ। अच्छा लड़काना के जी, और यहाँ पर जो है लोगों का जो दिल जीत रहे हैं थादल बेच के? हमें जो है यहाँ पर तकरीबन 10 से 11 साल हो गए यहाँ पे शरबत बेचते। माशाल्लाह 10 11 साल हो गए तकरीबन, माशाल्लाह इतना टाइम हो गया। जबरदस्त, ये जो आप जितने थादल वगैरह जो खिला रहे हैं आप लोगों को, ये हमारा सब जो है जेन्युइन है। आप खुद बनाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपना सब कुछ जेन्युइन है, प्योर पेपर है, बिल्कुल प्योर है। हाँ जी बिल्कुल, भाई जान आप भी रोज आते हैं क्या पीने के लिए? कभी कभी। कभी कभी कैसा लगता है आपको? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा बिकॉज पहले के डालते हैं इसके अंदर रोस्टर, रोस्टर एक नंबर है ये अल्हम्दुलिल्लाह, जामे शीरी हैं
जामे श्री पहले इसमें डालते हैं, उसके बाद बादल जो है तैयार हुआ होता है, एक के बाद एक माशाल्लाह इनके पास काफ़ी कस्टमर जो है आते हैं, बताए लगा दे भाई ऐसे ही है ना मसरूर भाई? जी भाई। और ज़्यादातर मेरे घर में लोग बड़ा गिलास पी रहे हैं, छोटा? जी बड़ा गिलास पीते हैं यहाँ ज़्यादातर लोग जो है बड़ा गिलास। अभी हम आपको थोड़ी सी तैयारी दिखाएंगे, आपको इसकी मशीन का भी दिखाएंगे कि किस तरह काम करती है, क्या जो है इसे बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं। अच्छा, कस्टमर की फरमाइश है, हर चीज़ उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, रोटा ही जाएगा, आधा ले मिल जाएगी, जरूर मिलेगी, जबरदस्त, मना किसी को नहीं है? नहीं, जैसा दिल बोलेगा वैसा पीएगा। भजन कैसा लगा आपको? बेहतरीन लग रहा है, मैं भी जाता हूँ यहाँ से, आता हूँ तो जब भी आते पीते हैं गर्मियों में, कोई ठंड का एहसास होता है? आपको कैसा लगा भाई? बेहतरीन है, यहाँ पर जो है रिव्यू सबके जो है बेहतरीन है, इससे ही बात करो कहता भाई बेहतरीन है भाई। अभी हम आपको दिखाते हैं ये डालते क्या क्या हैं। भाईजान मैं आपकी बनिया तो ही देखूँगा, रिवर मैं आपको इनकी बनिया दिखा देता हूँ, फिर अगर खोना है इसको आसू भाई। अच्छा ये हमारी बादाम है, ओके प्योर बादाम है, इसके बाद क्या है बादाम? बादाम क्या है बेटा? बादाम क्या है? चार मगज, चार मगज, ओके सब है इसमें, हाँ पिस्ता है मशीन के अंदर, इसके बाद और क्या है? क्या करता है भाई? काट के जल्दी से काट लो, बताशे है, बताशे, ओके अच्छी वाली सौंफ है, अच्छी वाली सौंफ है, ओके। ये बाकी सारे आइटम डलते हैं, ये इसमें नहीं डलते? ये सारे डलते हैं, या हमें सारे दिखा रहे हो? नहीं ये सारे डलते हैं। ये क्या है बेटा? ये है जीरा और काली मिर्च, जीरा और काली मिर्च, जबरदस्त, काली दखनी मिर्च जो होती है जबरदस्त। ये हम ये क्या दिखा रहे हैं? ये गुड़ है, गुड़ है जी, गुड़, काला गुड़ है, काला गुड़ जी, ओके, जो पिशाबरी होता है वो? जी जी पिशाबरी गुड़ है, ओके। और ये क्या है? उसके बाद ये चीनी है, चीनी जी, चीनी का कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर गुड़ का ही होता है। अच्छा, ज़्यादातर हम इसको गुड़ में बनाते हैं, चीनी का इस्तेमाल कम होता है। देख लीजिए भाई, ये सारे आइटम जितने मैंने आपको दिखा ये सब के सब जो है ये साधन में यूज़ होते हैं, और अभी सारी डिटेल में आपको इनसे देखकर बताऊँगा कि किस तरह जो है इसको बनाते हैं। अच्छा मसरूर भाई, क्या कह रहा है आपको कि हैदराबाद में आके जो है धड़काने से यहाँ पर आया जाए, लोगों को साधन पिलाया जाए? हमें बहुत टाइम हो गया यहाँ पे आते हुए, और 11 साल से यहाँ पे लोगों को साधन पिला रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह पिला रहे हैं जैसे 11 साल पहले थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई फर्क नहीं है आके? जी नहीं, बस थोड़ा रेट का फर्क है, ये थोड़ा महंगाई की वजह से थोड़ा सा रेट बढ़ाया हुआ है, महंगाई ने तो सब कहा बुरा किया हुआ भाई जी। पहले हमारी गिलास कितनी की हुआ करती थी? 11 साल पहले जो है 20 रुपए की गिलास थी। 20 रुपए से शुरू किया था आप? जी 20 रुपए से शुरू किया है, और अभी 50 रुपए की, 50 रुपए की हो गई है। लेकिन आपने इस पर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया आपने ना? नहीं, क्वालिटी वही है, क्वालिटी वही है, पैसे थोड़े बढ़ गए लेकिन क्वालिटी आपको डिफरेंस तो वही मिलेगी। यहाँ पे लोग जो इस भी दूर दूर से आ रहे हैं, और काफ़ी रश यहाँ लगा हुआ है, काफ़ी पब्लिक यहाँ खड़ी, जो एक जाता है दूसरा जाता है, दूसरे तीसरा जाता है, और यहाँ पर जो है इस भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, क्योंकि हैदराबाद में गर्मी बहुत होती है। अच्छा विवर, ये मछली मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह जो है इसे बनाते हैं। ये आइटम इसे तैयार हुआ है क्या? ये क्या आइटम है? मुझे मैंने वहाँ दिखाए सारे आइटम, वही आइटम इसमें है। ये आपने इसको पीसा कब है? ये अभी पीसा था, अभी इसको दादल बनाना है इसका। अच्छा डालो, हाँ नया डालो ना, हम अपने व्यूअर्स को दिखाने चाहते हैं भाई कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनती हैं सारी जो है ओरिजिनल होती हैं। ये क्या आइटम है भाई जान? ये भाई जान खचखच है, खचखच, हाँ ओके। देख लीजिए बिल्कुल, बिल्कुल ओरिजिनल और बिल्कुल जो है प्योर जो है ये थादल बन रही है, और आपको इंशाल्लाह मैं बनते भी दिखाऊंगा। और ये क्या आइटम है भाई जान? इसमें जीरा, छोटी इलायची, काली मिर्ची, ओके, ये तीनों चीज़ें मिक्स है। सही है, देख लीजिए ये इन्होंने मशीन बनाई दी है, मशीन को चलाते हैं जनरेटर पर, जनरेटर अभी ऑन करेंगे, बाकी सारे आइटम जो है ये बता रहे हैं, सामने सामने लोगों के भी प्योर धादल बनती है, और इस वक्त भी माशाल्लाह काफ़ी रश है यहाँ पर, लोग जो है यहाँ पर एक जाता है, दो आ जाते हैं, दो जाते हैं, चार आ जाते हैं, एक के पीछे जो है एक लगे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि हैदराबाद में गर्मी बहुत होती है, इस वजह से लोग इस धादल को बहुत पसंद करते हैं। ये क्या चीज़ है भाई? ये पुदीने की टिक्की है, ठंडी है, ओके, ठंडाई, ओके। अब ये क्या आइटम है भाई? ये
ये चार मगज है। चार मगज, हाँ, उसको उर्दू में पान मगज भी कहते हैं, सात मगज भी कहते हैं। अच्छा, अभी हम जो जितने भी मटेरियल डाल रहे हैं, ये अंदाजन कितने उसके लिए ग्लास के लिए होगा? ये अभी जो हम डाल रहे हैं तो ये तकरीबन 10-15 गिलासों के लिए, ये 10-15 गिलासों के लिए। ओके, ये खसूसन जो है आपके लिए बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया भैया आपका, अल्लाह आपको खुश रखे भाई। क्या आइटम डालने लगे भाई? बादाम है। बादाम, देखिए जी, अगर बादाम की मैं आपको क्वालिटी दिखा दूँ, बादाम भी जो है मैंने ज़बरदस्त यूज़ किया हुआ है इसमें, और कोई भी चीज़ अभी तक इन्होंने हल्की इसमें इस्तेमाल नहीं की। रिवर्स अभी मशीन चलने लगी है, देखिए माशाल्लाह पूरा मशीन जाने, और मशीन से जो है धादल बन रही है, और इस वक्त सारे जितने भी आइटम डाले थे ये सारे के सारे इसमें जो है मिक्स भी हो रहे हैं, पीसे भी जा रहे हैं। अभी हमने सोचा था इनसे कितने ग्लास इसमें बनेंगे, तो उन्होंने कहा था कि 10 से 15 ग्लास जो है इस मशीन जो इन्होंने मटेरियल डाला है, 10 से 12 ग्लास, 15 ग्लास का जो है मटीरियल किया है। देखिए जी, मशीन ही काम है सारा, और पहले ही मेरे ख्याल में हाथ से पीसा करते थे, अब कुछ का रूम से पहले हाथ से पीसा करते थे, अब इन्होंने मशीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये कितना टाइम पर भाई इसको 5 मिनट है, बाकी और 5 मिनट लगेंगे। हाँ, पूरा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा सारा, मिक्स हो जाएगा, और ये फिर लेके आएंगे इस कपड़े के अंदर, इसका जो हमें ना रस निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, व्यवस्था होता है उसको रस भी निकलता हुआ दिखाएंगे भैया। अच्छा मसरूर भाई, अभी तो हमारे पास माशाल्लाह मशीन आ गई है, हमने अपने व्यूअर्स को ये मशीन दिखाई भी है कि इसमें जो है किस तरह इसको पीसा जा रहा है, किस तरह आपने साफ किया जा रहा है। पहले तो मेरे ख्याल में आप लोग हाथ से इसको पीसा करते थे ना? जी बिल्कुल, हम पहले हाथ से पीसे थे, और हाथ से अभी जब हमने मशीन निकाली तो एक सहूलत हो गई हमें। हाँ, एक आसरा मिल गया, जल्दी हो जाता काम। जी जल्दी भी होता है, अच्छा भी होता है, इंसान है थक जाता है, हाथ से पीस पीस के हालत पूरी हो जाती थी। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह मशीन में कोई तकलीफ नहीं है। सही है जी, मशीन से काम भी अच्छा होता है, जल्दी भी आता है जी, जो है ना खसखस मसाले सही से पीसते हैं, जैसे हाथ पे भी नहीं पीसते जैसे जो है ना मशीन पे पीसते। सही। अच्छा एक बात बताइए, आपने अपने ये स्टार्ट का नाम दारुल शिफा थादल क्यों रखा है भाई? दारुल शिफा मौला रजा के हरम का नाम है। अच्छा 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 अच्छा, इसी उसी उसी के नाश्ता से नाम रखा गया। जब ये खाली हो गया, जब लेकर आए ना, फिर मजा करेगा। सही बात, बढ़ जाएगा भाई हमारा तो माशाल्लाह, मुझे लग रहा है दिन रात का यही काम है भाई। बढ़ता है फिर खाली जाता है, फिर खाली जाता है, फिर बढ़ जाता है, ऐसे ही है ना जी। माशाल्लाह क्योंकि यहाँ रश बहुत है, और काफ़ी पब्लिक यहाँ पर आ रही है, मशीन इन्होंने रश पहले चला दी है, मशीन में जो है ये अभी फिर जाएगा थोड़ी देर में, उसके बाद सारा रश कर दिया जाएगा। नज़र आ रहा है भाई कि लोग यहाँ बड़े शौक से और बड़े खुश दिल से पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। मेरे ख्याल में हैदराबाद में इतने लोग नहीं पीते होंगे कि चाहे दादा पी रहे, ऐसे ही है ना? मिल जाएगा। अच्छा माशाल्लाह मकसूद भाई, यहाँ के अलावा भी और कहीं बैठते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक और हमारी ब्रांच है, वो है इसरा यूनिवर्सिटी के। वो कहाँ पर है? इसरा यूनिवर्सिटी के करीब। अच्छा, वो आलाना का की तरफ। अच्छा, दो ब्रांच है हैदराबाद जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, देखो मेरे ख्याल में इनका आर्डर और तैयार हो गया, ये अभी भी तैयार हुआ था आर्डर? हाँ हाँ। ओके, अभी भी तैयार हुआ है, बाकी जो है अभी लाए यहाँ पर जो है खाना ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं। अच्छा थादल का दूसरा नाम ठंडाई भी है, ठंडाई जी। ओके, शुगर फ्री पीना था, शुगर फ्री देते हैं? बिल्कुल मिल जाएगा, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, वो अवेलेबल है, वो भी ऑर्डर पे मिल जाता है, लेकिन लोग यहाँ पर ज़्यादातर मिठाई पीते होंगे? ज़्यादातर मिठाई पीते हैं, कभी कभार कोई बंदा आ जाता है, आ जाता है शुगर फ्री पीना आ जाता है, लेकिन आप उसको भी मना नहीं करते, उसको भी जो है शुगर फ्री खा देते, सबको मिला देते।
अच्छा ये होती है यहाँ पर सेट है या फिर साल में बंद कर रहे हैं कि तैयार हो गया उसके लिए 5-6 मिनट अभी हमें साथ में लगेंगे और इसको जो है अब आप इसको कपड़े में डालेंगे बिल्कुल मखसूस देसी तरीका है जो जिसे ये यूज़ करते हैं इसको आदल बनाने के लिए पहले जो है इन्होंने मशीन में तो पीसा अभी इस कपड़े में जो है इसको डाल दें अब इस कपड़े के साथ इसका रस निकलेगा अब इसका जो है ना रस पानी के अंदर हम निकालेंगे पानी के अंदर निकलेगा हाँ चीनी का पानी बनाएंगे और उसमें गुड़ डालेंगे गुड़ डाल के फिर उसके अंदर जो है हम उसको घुमा के उसका चास बना के फिर उसमें ये निचोड़ेंगे उसका रस निकालेंगे जबरदस्त जबरदस्त मुझे लग रहा है आप इस आदत के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं ये दरअसल गर्मी की मशरूआत है और इसके वजह तो रहा जाए इसमें खाना लेके ऐसी चीज़ है कि जिसम को वैसे ठंडा रखता है मुझे लग रहा है आप यहाँ पे रोज ही आते हैं नहीं मैं तकरीबन फ्राइडे को जरूर आता हूँ अच्छा जुम्मे की जरूर आते हैं आज भी जुम्मा ही है आज भी फ्राइडे है अच्छा एक दिन के बताइए अभी इसको कैसा बना हुआ है एक हफ्ते बाद आए आपको कैसा लग रहा है जबरदस्त 50 रुपये में पैसे वसूल है 50 रुपये पैसे वसूली मैं समझता हूँ दौर के हिसाब से बहुत ही मुनासिब आपका नाम क्या है मेरा नाम है फहीम फहीम भाई मुझे बताइए आपके एक हाथ में ग्लास है ये थाडल का अगर मैं आपको कोल्ड ड्रिंक दूँ या और दूसरा नहीं कोल्ड ड्रिंक वो पीएंगे या पीएंगे नहीं कोल्ड ड्रिंक में पीता ही नहीं वैसे भी वैसे नहीं पीते कोल्ड ड्रिंक का वैसे बाइकट किया हुआ और मैं पीता नहीं था मजीद और इसके अलावा और बाइकट कर चुका सही है मतलब थाडल के आगे सब बेकार है थाडल के आगे सब चीज़ें बेकार अल्लाह खुश है आप हमारे लिए स्पेशल जी स्पेशल आपके लिए बनाया आपको बहुत शुक्रिया अल्लाह खुश रखे इतने रश में भी आपने हमारा ख्याल रखा एक बात और बताइए अगर कोई शुगर फ्री या स्पेशल आपसे बनवाता है तो उसके पैसे अलग होते हैं या वही चार्ज करते हैं आप ये उसके लिए अलग से चार्ज है अलग चार्ज करते हैं जबरदस्त अगर आप अपनी मर्जी से ही बनवाएंगे तो आपको जो है ग्लास आपको मिल जाएगा चार्ज उसके थोड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं तब हम आपको उसके पी के ट्राई करके बताते हैं ये पीने में कैसा है हमने इसमें जो है ना ही हमने इसे रोज़ा डलवाया है और ना ही हमने जो इसमें चीनी वगैरह डलवाई क्योंकि हमें पीने का थोड़ा इशू है रिवर्स करते हैं बिस्मिल्लाह और आपको ट्राई करके बताता हूँ ये थाडल कैसी है पीने में मज़ा आ गया ठंड पड़ गई जिगर में भाई भाई आप वाकई भाई ज़बरदस्त है अभी एक कस्टमर से मैंने रिव्यू किया वो कह रहा था अगर मेरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक या दूसरा जूस आए तो मैं उससे नहीं पीऊँगा मेरा भी यही रिव्यू इस बारे में आप अगर इस खाने को एक दफ़ा पीएंगे तो आप इससे जूसी और कोल्ड ड्रिंक को भूल जाएंगे यहाँ इस वक्त मौजूद है 12 नंबर में हैदराबाद 12 नंबर में मेन रोड पर ही जो है ये थाडल आपको मिलेगा अगर आप थाडल पीने के शौकीन हैं या कोई अच्छा पीना चाहते हैं तो एक दफ़ा ये थाडल जरूर ट्राई कीजिएगा एक वहाँ भाई को मैं अपने साथ लाया था क्योंकि कैमरा पकड़ने का इशू था और यहाँ पर जो है मुझे थोड़ी मुश्किलात होती वहाँ भाई के लिए भी हमने एक ग्लास दिया वहाँ भाई ने लिया है कि फुल ड्रेस जो ये रोबला भी डाला हुआ है इसमें बाकी सारी चीज़ें भी डली हैं वहाँ भाई ट्राई करके बताएं कैसा है माशाल्लाह बहुत अच्छा है अच्छा है मुझे तो लग रहा है तुम पीते रहते हो यहाँ पर हाँ दोस्त है मेरा भाई दोस्त है अच्छा ये वहाँ भाई आपके दोस्त हैं क्या तो बिजी है भाई अच्छा भाई बिजी है अच्छा अभी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है सामने भाई जान वालेकुम अस्सलाम खैरियत से ठीक है अल्लाह का शुक्र अच्छा आप हमसे कुछ बात करना चाह रहे थे सर ये थाडल वाला ये है कि इससे गर्मियों के अंदर अगर पीते हैं तो हमारे जिगर वगैरह के लिए भी बेहतरीन है और दूसरा ये है कि काफ़ी जिस्मानी मामलात में बहुत अच्छा है तो मैं तमाम लोगों को ये कहूँगा अगर हैदराबाद के रिहायशी हैं या हैदराबाद कहीं से आते हैं तो 12 नंबर में ये थाडल वाले से ज़रूर अपनी
आकर चेक करें इनका। आपको अगर ये आपके हाथ में जब आपने लिया है थादल, अगर आपको कोई जूस दिया जाए, कोल्ड ड्रिंक दी जाए, तो आप वो कोल्ड ड्रिंक या जूस पियेंगे या थादल पियेंगे? थादल एक इसमें जो अज्जा मिले हुए हैं वो कुदरत की अज्जा हैं। बिल्कुल, हमने देखा है आपने एक चीज दिखाई हमने, इसमें फायदेमंद चीजें हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये आर्टिफिशियल चीज़ें पीने से बेहतर है कि अल्लाह की जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ें उससे पियो, ताकि अपने जिस्म को वो फ़ायदा हासिल हो। जबरदस्त पी के बताइए कैसा बनाया आज इन्होंने? बहुत अच्छा बनाया है, जबरदस्त है। अच्छा विवाद, हैदराबाद वालों की खास बात ये, हैदराबाद वालों की आशीर्वाद की खास बात ये है कि मेहमान नवाज बहुत होते हैं। अभी ये भाई जो है वो क्या हमारे पास बाहर आ गया हमारी खिदमत करने के लिए, जिसकी मेहरबानी की अपना सारा काम आप छोड़ के जो है हमारे साथ बाहर आया और आपने जो है बड़ा इसके ज़बरदस्त सूरत भी ये अपना थादक बनाया। यकीन ये थादक बहुत बेहतरीन था, ज़बरदस्त था, मज़ा आया। इस वक्त जो है जिगर में और पेट में ठंडक महसूस कर रहा हूँ। अगर आप हैदराबाद में आए हर नंबर की तरफ रहिएगा और भाई से थादक जरूर कीजिएगा। हमारे व्यूअर्स को आप डिस्काउंट देंगे? जी सर बिल्कुल। उस पर भी हमारे व्यूअर्स के एक बार खुशखबरी आ गई, अगर आप हमारे चैनल का इनको रेफरेंस देंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो व्यूअर्स हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारे चैनल पर किस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।